हेलो एवरीवन, मैं अजय निओल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं कि जिन बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि क्या अब की बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको कितने मिलेंगे। तो देखो बच्चों, अब की बार यही चांस है कि जैसे पिछली बार आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 4 मिले थे, अब की बार भी ज़्यादातर चांस यही दिख रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो आपको 3 से 4 जरूर मिलेंगे, क्योंकि NTA जो इंतजार कर रही है वो उस हिसाब से चल रही है कि जो आपके CBSE टर्म 2 के एग्जाम है उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे। जो पहला अटेम्प्ट है उसके जो चांस बन रहे हैं वो फेब लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर आपका पहला अटेम्प्ट हो जाएगा, तो आप मान के चल सकते हो, क्योंकि अब की बार रजिस्ट्रेशन ज़्यादा ही लेट हो गया है, क्योंकि दिसंबर मिड के अंदर आपका जो NTA की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो जाता था, लेकिन अब की बार लेट हो गया है क्योंकि टर्म 2 के हिसाब से NTA इंतज़ार कर रही है। टर्म 2 का जैसे एग्जाम होता है उसी हिसाब से आपको मिलेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, क्योंकि NTA ये सोच रही है कि आपका टर्म 2 का जो एग्जाम है उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आए, दिक्कत ना आए, क्योंकि जो बच्चे CBSE का एग्जाम दे रहे हैं, अब की बार बोर्ड दे रहे हैं, तो वो भी अच्छे से अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अटेंड कर सके। तो ज़्यादातर चांस यही है कि 3 से 4 अटेम्प्ट, मेरा मानना यही है। आपको जो भी लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो भी अब की बार इतने चांस लग रहे हैं, भी यही आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन चल रही है भी 3 से 4 अटेम्प्ट, 3 तो मान के चलो अब की बार जरूर मिल जाएंगे आपको, 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, उसके बाद अगर 4 मिलेगी तो आपके लिए गोल्डन चांस होगा भी, आपको भी उसमें बहुत फायदा मिलेगा, एक अटेम्प्ट और देने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी होता है NTA की तरफ से तो मैं आपको जरूर अवेलेबल कराऊंगा, उसी के साथ मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आती है NTA की तरफ से मैं आपको उसी टाइम अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अब की बार कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिल सकते हैं।